का कौन सा प्राणी है जो सब्जी को ऐसे जो है करता है, ऐसे करता है, ये बताइए। तो बताइए अगर सीन में वीडियो में भी है तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसा जितना बवाल बना रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? बताइए आप लोग कितने मूर्ख हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ये कोई गंदा सीन है, ये तो पवन पांडे अपने बेटी से ही सीखे हैं। जब बैगन खरीद के लाते हैं ना पवन पांडे, तो इनकी बेटी ऐसे ही करती है, तो सोचे कि चलिए दूसरे की बेटी को भी पैसा दे देते हैं और इस तरीके से कोई सीन करवा लेते हैं। इसमें गलत क्या है यार? इसमें तो हम भी कहते हैं कि बहुत अच्छा सीन है। अश्लीलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अश्लीलता खत्म होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री से या नहीं? जरूर खत्म होना चाहिए, खत्म हो ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, खत्म हो रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता, लेकिन तुम जैसे लोग दांत चियार के आते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ अश्लीलता खत्म हो जाना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा हक दोगे जिससे भोजपुरी फिर अश्लील हो जाएगा, भोजपुरी में फिर सवाल उठने लगेगा। अगर बैंगन का इस्तेमाल आप खाने के रूप में यूज करते हैं तो आपको अश्लील नहीं दिखेगा, अगर बैंगन का इस्तेमाल जो गलत रूप में यूज करते हैं उनको अश्लील देखेगा। नहीं 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 नहीं, बैंगन तो बस पवन पांडे खाते हैं, और लोग बैंगन का इस्तेमाल तो पता नहीं कहाँ कहाँ करते हैं। अच्छा पवन पांडे, ये बताओ कि अपनी बेटी से कुछ ऐसा सीन करवाओगे या फिर पत्नी से ऐसा, अगर भोजपुरी में उनको आने का मौका मिले तो बोलोगे पत्नी को ऐसा करने के लिए, ये खराब सीन नहीं है तो? नहीं करवाओगे, ना अपनी बेटी से करवाओगे ना अपने पत्नी से करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि ये गंदा सीन है, और इस बात को सुन के तुमको बुरा भी लग रहा होगा। लेकिन कब बुरा लग रहा है? जब बात अपनी बेटी और पत्नी पे आ रहा है। लेकिन जब दूसरे की बेटी को पैसा दे के इस तरीके का सीन करवाने में मजबूर कर देते हो, उस समय शर्म, लाज और गुस्सा नहीं आता है? जो लड़की से तुम अच्छा सीन करवा सकते थे उससे तुम क्या करवा रहे हो ये? हम तो बैंगन का दूध में नहीं जानते, अभी तक तो हम बैंगन का सब्जी में जानते हैं। अरे बाप रे, पवन पांडे तो इतना भोले हैं कि इनको तो पता ही नहीं है कि बैंगन का दो अर्थ भी होता है। देखिए तो शरीफ महानुभाव को, भले गाना में ये सब हरकत करते हो लेकिन बैंगन का दो मतलब थोड़ी होता है। ये तो अपने घर ही से सीखे हैं, पहले मम्मी से सीखे, उसके बाद पत्नी से, अब बेटी को सिखा रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आने का मौका मिला इनको बेटी को, तो ऐसा सीन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अश्लील तो है ही नहीं। सीन में वीडियो में भी है तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसा जितना बवाल बना रहे। इतना ही नहीं, पवन पांडे तो इस तरीके से बैगन लेके हर जगह घूमते हैं, चौक चौराहा, गांव में जितने भी अपने फैमिली मेंबर है ना, अगर बैगन लेके जाते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं कौन सा बैगन चाहिए, कौन सा लमका की गोल का। जानते हैं होता क्या है, जब इनके बारे में कुछ बोलने लगो ना तो ये लोग चले जाते हैं बॉलीवुड पे कि देखो ना बॉलीवुड में भी तो ऐसे ही होता है, उसको काहे नहीं कोई बोलता है, उसके बेटी को काहे नहीं कोई बोलता है। तो हम एक चीज आपको दिखाते हैं बॉलीवुड में अश्लील का मतलब क्या होता है, यही होता है ना अश्लील का मतलब। अब तुमको एक चीज दिखाते हैं, आमिर खान की ये फोटो देखो, ये अपनी बेटी के साथ कुछ इस तरीके से केक काट रहा है, मतलब ये अपने कल्चर के साथ ही चल रहा है, जैसा फिल्मों में करता है वैसे ही ये अपने रियल लाइफ में करता है। क्या तुम अपने बेटी को बैगन दोगे इस तरह, बैगन खिलाओगे इस तरह, जाके बेटी के सामने ये हरकत करोगे? भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं ना, इसके अंदर दोगलापन है, ये अपने परिवार की जब बात आती है तो FIR तक बातों को ले जाते हैं, लेकिन जब दूसरे की बेटी के पास आती है तो अरे छोड़ो ना यार, पैसा देगा तो इसको कहाँ कहाँ लेके आ जाएंगे, ऐसा ऐसा हरकत करवाना कौन बड़ी बात है, और करवा देते हैं वैसा वैसा हरकत। सोच के देखो, कोई भोजपुरी की हीरोइन जो है वो गलत स्टेप उठाती है, गलत सीन करती है, वो क्यों करती होगी? पैसे की कमी की वजह से ही ना। तो यही भोजपुरी के सुपरस्टार जो हैं, जो अच्छा रोल करवा सकते थे, उनको ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं, ज़्यादा काम ऑफर करते हैं, और ऐसा ऐसा रोल करवाते हैं ताकि वो पूरे बिहार में बेइज्जत हो और इनका गाना खूब ज़्यादा चले और ये सो कॉल्ड सुपरस्टार बने रहे। इतना बोल दिए ना, फिर भी ऐसा लगता है पवन पांडे को कि नहीं नहीं, इतना गलत भी गाना नहीं था कि आप लोग इतना भौकाल बचा रहे हैं। नेक्स्ट सॉन्ग में क्या पवन पांडे की बेटी को मौका दिया जाए इस तरह का सीन करने के लिए, या फिर खेसारी लाल यादव के फैमिली मेंबर को दिया जाए इस तरीके का सीन करने के लिए? गलत है ही नहीं, और इसमें नाम भी बड़ा होता है, यश भी बड़ा होता है, पैसा भी होता है। इनफैक्ट खेसारी लाल यादव ने तो अपनी बेटी के साथ एक फिल्म भी बनाया है, तो क्या ऐसे गाने में अपनी बेटी को मौका देंगे? भोजपुरी का कोई भी कलाकार जो इस तरीके के सीन को प्रमोट करता है या फिर इस तरीके के सीन को कहता है कि बहुत अच्छा सीन है, ठीक है, लेकिन देखिए जो गलत बोल रहे हैं ना, वैसे लोग गलत बोल रहे हैं जिनको गलत बोलने हैं, उनका चैनल उठा के देखा था, वो खाली गलत बोलते हैं। इस लाइन से पता चलता है ना कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे ऐसे जाहिल लोग रियलाइज करा देते हैं कि शिक्षा भी जरूरी है, ऐसे गाना लिख लिख के ऐसे आगे बकचोदी कर करके तो बहुत लोग फेमस हो जाता है, लेकिन शिक्षित जैसा बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। पवन पांडे के हिसाब से ये वाला जो घटना हुआ है ना, ये मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया को तो ये दिखाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कितना भाई भाई के साथ रहते हैं, कितना भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में। हवा में पुल उड़ गया बिहार में, लेकिन पवन पांडे के हिसाब से ये मीडिया वाले बहुत गधे हैं, इन लोगों को तो ये सब चीज़ दिखाना ही नहीं चाहिए, उनको तो ये दिखाना चाहिए कि बिहार में पुल 100 साल से ज़्यादा कहाँ तक चल रहा है, कौन पुल सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये तो बिहार का डुबा देगा यार, ये तो बिहार का पुल ढह गया हवा में वो दिखा रहा है, कितना बेवकूफ मीडिया है ये। राइटर हो, सिंगर हो, या फिर भोजपुरी का कोरियोग्राफर हो, अगर कोई भी अश्लीलता फैलाएगा तो उसको जवाब दीजिए, डट के जवाब दीजिए, और अगर जवाब नहीं दे सकते तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।